जब काम की तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास बात मैंने ये देखी इस अवार्ड फंक्शन में कि हमारे नेपाल मुल्क के लोगों को भी बुलाया गया, उनको भी सम्मानित किया गया, ये अच्छी बात है क्योंकि पड़ोसियों का हक भी बनता है। और जैसे याद किया अखिलेश जी ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे दोस्त हैं अजय सिंह, इनको भी सोशल वर्क की दुनिया में अवार्ड मिला, कुछ कहेंगे? हेलो मुंबई, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अजय सिंह एंड आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव दिस अवार्ड। आई एम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम द मोस्ट इमेकुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया एंड रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ बस दुआ करिए, शाहिद कपूर की फिल्म आ रही है राम और श्याम, तो उसके लिए अब शॉर्टलिस्ट तो हुए हैं, अब देखते हैं मंजिल कहाँ तक पहुँचती है। उनके दोस्त का रोल है, डबल रोल है शाहिद साहब का, तो देखते हैं, कोशिश करिए। ठीक, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। आई थिंक इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की और मेहनत से काम करने की और ऐसे अवार्ड जीतने के लिए। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रही जी। ये एक्चुअली बहुत ही लास्ट मोमेंट हुआ है, ये पूरी आउटफिट विद ब्लाउज एंड एवरीथिंग ये 2 घंटे में तैयार हुआ है, थैंक्स टू माई डिज़ाइनर शिल्पी सक्सेना, उन्होंने मेरे लिए ये बनाया है। मुझे साड़ी पहनने का मन कर रहा था तो मैंने उन्हें बोला एंड शी वॉज रियली बिजी, बट उन्होंने विद इन 2 आवर्स बिफोर आई केम हियर इट गॉट रेडी। सो प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, मैं वेब स्पेस में भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर दैट। और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट मुझे एक्साइट करेगा, समथिंग जो मैंने पहले नहीं किया है, डेफिनेटली आई टेक इट अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इन्होंने मुझे इस लायक समझा एंड आई गॉट इट फॉर माय सेंस ऑफ स्टाइल एंड फैशन व्हिच इज़ द थिंग नाउ आई थिंक रिलेटेड टू मी, सो थैंक यू। नेक्स्ट आप मेरे को देख सकते हैं अमेज़ॉन इंडिया का एक शो आएगा, उसमें आप देख सकते हैं, जिसका नाम होगा अधूरा, जो कि निखिल अडवाणी बना रहे हैं। उसके बाद वायाकॉम के लिए भी मैंने अभी एक शो सीरीज़, दोनों सीरीज़ हैं, OTT सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ ख़त्म करी है, उसके डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम साहिल सलाथिया पे मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे, थैंक यू। और दूसरा मैं अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहती हूँ
कि उन्होंने मुझे यहाँ तक ये अवार्ड मुझे दूसरी दफ़ा मिल रहा है, आई थिंक सो तीसरी दफ़ा, तो इस बार मुझे मिला है बेस्ट जोड़ी ऑफ पॉपुलर वीडियो के लिए। आसमा जी साथ में हैं, ये हमें मेरे साथ इन्होंने 200 वीडियो बनाए हैं और इनका और मेरा वीडियो एक वीडियो था मैं से मीना से जो 1700 मिलियन हमारा वायरल हुआ है वो गाना। तो थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया पर्सन, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार और दुआ दीजिए। मैम क्या कहना चाहोगे, उर्फी जावेद को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है, आप क्या कहना चाहोगे उर्फी जावेद को लेके? भाई ये को लेके काफ़ी विवाद होता है, आप क्या कहना चाहोगे? उर्फी जी के बारे में अभी क्या बोले, ड्रेस तो देखो सब अपनी मर्जी के मालिक है इस दुनिया में, जो जिसको जैसा लगे वो पहने एंजॉय करे, जिनको बुरा लगता है वो काला चश्मा पहने और जिनको अच्छा लगता है वो चश्मा उतार के देखे, राजेश खन्ना जी जैसे। यू मैम आप क्या कहना चाहोगे उर्फी जी के बारे में? कुछ सही कहा मगर ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना लाइफ है, ठीक है चलता है। काफ़ी लोग क्योंकि हमारा एक्चुअली हम जो है हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान में इतना ओपन नहीं चलता है, तो इसीलिए शायद लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी आप जितना बोलोगे वो उतना ही करेंगे, तो इससे अच्छा आप लोग बोलना बंद करिए। आप जब तक आप लोग बोलना बंद नहीं करोगे तो आगे वाला भी संभलेगा नहीं, तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाना, आप लोग जो उंगली उठा रहे हैं उससे और पॉपुलैरिटी मिल रही है उनको और कंट्रोवर्सी हो रही है, इससे अच्छा आप बोलना बंद कर दीजिए तो वो अपने आप समझ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये नाम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है और साथ ही मुझे एक बिलीफ भी देता है कि मैं और ऑनेस्टी के साथ काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क विद मोर ऑनेस्टी एंड बिलीफ ऑन माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज मुझे इसको लिव अप टू करना है, एंड या आई विल डू इट। जब अवार्ड मिलता है कितना इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड मिलना आपके लिए, फैंस का लव इंपॉर्टेंट है क्या अवार्ड मिलना है? वेल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से फैंस का लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह की रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन, नॉट ओनली एन एक्टर, एंड स्पेशली दिस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इट बिलोंग्स टू यू गाइज एंड ऑल्सो टू माई टीम, माई डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, एंड ईच एंड एवरी क्रू मेम्बर हु वर्क्स वेरी हार्ड ऑन अ सेट। नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं बिग बॉस नहीं देख रहा, कुछ झलकियाँ देखी हैं मैंने, मुझे अब्दू बहुत क्यूट लगे हैं, एंड शोम्बुल को मैं सपोर्ट कर रहा था, बट आई हैव रिसेंटली हर्ड दैट शी इज़ बीन अ विक्टिम। मेरे हिसाब से बिकॉज आई वॉच्ड हर एज एन एक्ट्रेस, तो निमृत आई गेस वुड बी माई पिक। थैंक यू सो मच। आई थिंक दादा साहेब फाल्के एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, एंड इन अवार्ड्स से आपको कोई भी टाइटल मिलना खुद में एक बहुत बड़ी बात है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। आई थिंक आई जस्ट वॉन्टेड टू ड्रेस एज द इवेंट, एंड बिकॉज दादा साहेब फाल्के एक बहुत प्रेस्टिजियस एंड बहुत एक एलिगेंट अवार्ड्स हैं, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू वेयर समथिंग सिंपल येट एलिगेंट। It's just simple outfit, styled with beautiful accessories, and I think simplicity is the best. And for me, less is more. Yeah, मैंने खुद से ही किया है. It's just a simple suit, nothing else. And mostly मैं अपने आप को खुद ही style करती हूँ. Yes, yes. So I have two upcoming projects in South, and which I hope you get to see this year. And ये जो award मुझे आज मिला है promising face of the year, I just hope कि I live up to this award. And जब भी आप मेरा project देखो इस साल तो आप बोल पाओ कि yes it was deserving. Thank you. Thank you. मुझे ये award सम्मान देने के लिए दादा साहेब फाल्के फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 2023, तो और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है फिल्म अर्धनारी के लिए, और थैंक्स टू यश कुमार जी और रामा प्रसाद जी, डायरेक्टर राजू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
अभी बहुत सारी फिल्में आने वाली है और फिलहाल अभी सिंदूरदान का शूट चल रहा है और आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो थैंक यू मेरे ऑडियंस और इतना प्यार देने के लिए, लव यू। और ये अवार्ड सब आप लोगों का है, थैंक्स। डायरेक्टर के लिए इस साल में मिला है, अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं ये अवार्ड के लिए। एंड ऑल द बेस्ट दादा साहेब इंडियन टेलीविज़न अवार्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो ये अवार्ड की पार्ट बन के अपने आप को बहुत ब्लेस्ड लकी मिली मानते हैं और सारे क्रेडिट अभिषेक जी को देते हैं हम, इनको इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट बन के हम एक पार्ट हुए, अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। सर, अच्छा काम करने वाले को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो कितना? हाँ, अच्छा काम को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन, मोटिवेट माइंड मोटिवेट होते हैं जब आप लोग अप्रिशिएट करते, बाहर से ऑडियंस को जब अप्रिसिएशन मिलते तो ऑर्गेनाइज़र को मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट कर हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट ईयर भी इसका हम ये विश करते हैं नेक्स्ट ईयर इसका डबल क्राउड हो और ये पार्ट के हम सब लोग दोबारा यही अवार्ड के पार्ट बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी। सर, क्या कहना चाहोगे दादा सर फाल्के, इतना आइकॉनिक अवार्ड है, जब आप लोगों को इससे नवाजा जाता है तो कितने प्रोत्साहन होते हैं आप लोग, कितनी खुशी महसूस होती है आप लोग? हम लोग ये अवार्ड की तो स्पेसलेस है, इसका अपने आप को इतना प्राउड फील करते हैं अवार्ड की एक पार्ट बन के। हमें पता नहीं था, सडनली एक कॉल आए थे तो अखिलेश जी बताए ऐसा, उन्हें हमारे ऑफिस में भी आए, सारे क्रेडिट हम अखिलेश जी को देते। इतना सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके हमें नेक्स्ट ऑफ इमेजिनेशन, हम इमेजिन नहीं कर पाते इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी कंपनी की एम्बेसिडर है, हमेशा रहेंगे, हमारी कंपनी की ट्रेडमार्क है इनकी फेस, तो इनको हाईजैक करना बहुत मुश्किल होता है। इनको लेके जाना, कहाँ छुपा के रखे, कहाँ हाइड करे, कहाँ कहाँ से बार कोड खींच लेते हैं इनकी, इनको लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। रोड पे किधर भी चलना है लोग तो आप दो शब्द आप बताइए। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मामूली अवार्ड नहीं है, सिर्फ इनका नाम मात्र से हमें अवार्ड मिल जाता है। जिस तरह हम हिंदू धर्म में जय श्री राम बोलते हैं और हमारा पूजा हो जाता है, उसी तरह हमारे एक्टिंग अभिनय की दुनिया में दादा साहब फाल्के का नाम आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। दादा साहब फाल्के अवार्ड कैलाश मासूम जी भी करते हैं, एक आइकॉनिक दादा साहब फाल्के अवार्ड कई अलग अलग लोगों ने किया हुआ है। एक जो मेन दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिषेक जी को वो वाला अवार्ड भी मिले और हम लोग उस अवार्ड के लिए भी इसी तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और सर, आप क्या कहना चाहोगे, कभी आप तो इतने बड़े है ही मतलब कंपनी के मालिक, लेकिन कभी फिल्मों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोई एक्टिंग शाहरुख सर के साथ, सलमान सर के साथ करना पसंद करेंगे आप? एक्टिंग सर शाहरुख खान बनेंगे सर, खुद ही सलमान खान बनेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश जारी है हम सुबह 5:30 हम उठ जाते हैं, 6 बजे 6 to 8 हम डेली हमारा जिम चालू रहता है, के जी हमारी जिममेट है, तो तैयारी है मतलब हम लोग डांस तैयारी, 2 घंटा डांस करते हैं सर, 2 घंटे जिम करते हैं सुबह, 2 घंटे शाम को। तेरेंस लुइस जी आते हैं हमारे यहाँ पे डांस सिखाने के लिए, हमारी डांस मैट प्लस जिम मैट दोनों है। के जी अवार्ड टू यू। सर, हमने सुना कि आप फिल्में, आपकी जो कंपनी फिल्म भी बनाती है, तो कौन सी फिल्में आप बनाने वाले हैं, कब आने वाली, कुछ अगर आप बता सके कि अभी सर? ये सारे अपडेट्स प्रेम लता जी के पास है ये जो हमारी प्रेम लता जी हैं, आईवीरा चैनल, जो आईवीरा न्यूज़ चैनल है, आईवीरा इंटरटेनमेंट है, उसके जितने भी आपके क्षेत्र के जो पत्रकार और पीआरओ क्षेत्र के जर्नलिस्ट आप लोगों के लाइन के, यही एडिटर है हमारी प्रेमलता जी, आप ये सब सवाल मुझसे कर लीजिएगा।
अभिषेक सर आप कुछ बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, कई ऐसे कलाकार होते हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, जिनका फ्यूचर नहीं बनता, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी चांस दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ नया देखने मिलेगा? हाँ, न्यू कमर उनको अपनी और न्यू कमर्स के प्रति हमारी यही है, अपना कॉन्फिडेंट जारी रहे, कॉन्फिडेंट अपना हार्डवर्क करते रहे, स्मार्ट वर्क, तो दे विल कभी ना कभी आए जाते, ट्राई अगर कंटिन्यू करते रहे तो ट्राई कभी मिस आउट नहीं होता है, वो कभी ना कभी दिखाई देते हैं। कोशिश मैसेज देना चाहिए आप दोनों लोगों को? मैसेज यही देना चाहते, कोशिश जारी रखें, और ये हमारी खुद की लाइफ में हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ट्राई करते रहे तो ट्राई कभी ना कभी वो रिजल्ट में दिख ही जाते हैं, अगर 20 times 30 times 100 times ट्राई कभी ना कभी दिख ही जाते हो, अपने आप को होपलेस ना फील करें, कॉन्फिडेंटली कम ट्राई अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहे, और रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे तो रिजल्ट आ ही जाता, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ ही जाता है। केके सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी बहुत सारे संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर हैं। अभी मुकाम पर कहाँ है, अभी तो हमने जीना चलना सीखा है, अभी तो स्ट्रगल करना शुरू किया है, अभी तो मुकाम पर आना बाकी है, बहुत टाइम है, मुकाम पर पहुँचना है, और हम लोग संघर्षरत हैं, कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। अयोध्या सिंह हमारे न्यू कमर एक एक्ट्रेस, उनके एक एक्टर इंटरव्यू के लिए अयोध्या सिंह बिहाइंड रखे, आ जाओ और ब्यूटीफुल स्टनिंग गर्ल अयोध्या सिंह एक्ट्रेस है, वेलकम टू, थैंक यू। हाय ऑल, आई एम आलिया सिंह। नई फिल्म में आप दिखने वाले सर की फिल्म में, आई गेस यू नो दिस विल बी अ स्टार्ट ऑफ माय करियर एंड इट विल बूम, एंड यू ऑल प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स, आई नीड सो टन ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ योर्स, एंड यू नो आई प्रे टू गॉड दैट दिस विल बी अ स्टार्ट एंड नॉट द एंड ऑफ माय करियर, या दैट्स ऑल आई हैव टू से, थैंक यू सो मच अगेन। मैम आप अभिषेक सर के लिए क्या कहना चाहेंगे, कि काफ़ी लोगों को चांस देते रहते हैं और हमेशा कन्हैया बने रहते हैं और लड़कियों के बीच That's a new statement which I've come across, but yeah, he is a very nice person, he's gem of a person I've come across. See, you know, you see a lot of people, you meet a lot of people, but you know, there are certain people you gel up with, you connect with, and he's the one, Mr. Abhishek Prasad. Thank you. Dil mein mana hai tumhe. लव हाउस में जाने वाले रियलिटी शो में, क्या रोमांटिक होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है आपकी? हाँ, लव हाउस में जाने वाले हैं। अच्छा, बोतल फिल ना करें, चले चलते और कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो। थैंक यू। दिस फेब्रुवरी मंथ, इट्स अ मंथ ऑफ लव, इट्स अ मंथ ऑफ वैलेंटाइन, एंड इट्स ऑल्सो द रिलीज ऑफ माई फिल्म जिसका नाम भी सिमरन है, सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल टू रिसीव द बेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर, एंड दैट टू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दिलशाद खान साहब फ्रॉम मुंबई हलचल इज वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिलशाद जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अभी अखिलेश जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अवार्ड दिया, और ऐसे सब अवार्ड जो होते रहते तो अवार्ड मिलने वालों को और जो सोशल वर्किंग करते हैं उनको अच्छा लगता है, उनका काम को सराहा जाता है तो उनके दिल में और जज्बा आता है कि इसी तरह से वो काम करते रहे, उनको अवार्ड मिलता रहे, तो इसके लिए सबके लिए थैंक यू।